खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। श्री दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, हम तलाक के विद्वत के खिलाफ और जो कानून लाया गया है और जिस प्रकार से और जिस उद्देश्य से लाया गया है, हम उसके भी खिलाफ हैं। समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, शिया और वहावी लोग तो इसको मानते भी नहीं हैं, सुन्नी में भी हनाफी सुन्नी इसको थोड़ा मानते हैं, और मुश्किल से 400-500 ऐसे प्रकरण होंगे 17-18 करोड़ जनसंख्या में जो इससे प्रभावित होते हों, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकुरानिक डिक्लेयर किया गया। इस कानून की आवश्यकता नहीं थी, मौजूदा कानून में ही प्रावधान इतने थे कि उसका निराकरण किया जा सकता था। माननीय मोदी जी जब से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात उन्होंने की है। किनके विश्वास की? उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि अल्पसंख्यकों के विश्वास पर हमें में लेना चाहिए। क्या इस कानून को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से चर्चा करके उनको विश्वास में लिया गया? किससे चर्चा की, किसके साथ विश्वास में आपने लिया, हम जानना चाहेंगे। मैं इतना जरूर आपसे कहता हूं कि आपका एजेंडा, उसकी मैं तारीफ भी करता हूं कि जब से संघ का गठन हुआ तब से लेकर आज तक आपने अपने उद्देश्य की पूर्ति से आप कहीं भी विचलित नहीं हुए, आज भी उसी लाइन पर चले हुए हैं, उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आप जब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं, तो जैसा मेरे मित्र ने कहा कि लिंचिंग में जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी महिलाओं की के बारे में कभी आपने सोचा? 2002 में गुजरात के राइट्स में खुलेआम गर्भवती महिला के पेट में तलवार भोंक कर उसके बच्चे को भी काट डाला, उसके बारे में आपने कभी बात कही? तब कहा गया था आपका ये मुस्लिम महिलाओं के प्रति प्रेम कहा गया था? ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टि से आप बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने मैंने अंडर विच रूल मैंने आपसे अनुरोध किया है कि जो संशोधन मैंने दिए उस पर मैं अलग से आपसे बात करूंगा, क्योंकि इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी को लाना उचित नहीं है। हमारे हिंदुओं में ऐसी प्रथाएं हैं, राजस्थान के लोग यहां बैठते हैं, गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, अनेक जातियों में आज भी नात्रा की प्रथा है, झगड़े की प्रथा है। नहीं, मेरे पास प्रमाण है माथुर साहब, मेरे पास प्रमाण है। नात्रा क्या होता है? I'm not yielding. नात्रा क्या होता है? हिंदू जब बाल विवाह हो जाता है, आज भी बाल विवाह कई जगह होता है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और उसके बाद पति दूसरी शादी कर लेता है, तो पत्नी जो लड़की छोड़ दी गई है, उस परिवार को अगर उस लड़की की दूसरी शादी करनी है तो उसको लाखों रुपए उस पति को देना पड़ता है जिसने छोड़कर दूसरी शादी कर ली। यह आज भी प्रथा है और अनेक जातियों में है, आदिवासियों में भी है,
हमारे पिछड़ा वर्ग में अनेक जातियों में है, आज भी ये प्रथा है, क्या उनके लिए हिंदू प्रोटेक्शन बिल आप लाएंगे माननीय मंत्री जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये झगड़ा दिया जाता है लाखों रुपए का, और यही नहीं है, जब झगड़ा नहीं देते हैं तो पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत में दलाल लोग बीच में आ जाते हैं और दलाल लोग बीच में आकर सौदा करते हैं और नहीं पटाने पर उनकी फसल उजाड़ देते हैं, जला देते हैं, घर जला देते हैं। उनके क्या हिंदू महिलाओं के मैरिज राइट्स एक्ट पर भी आप कानून लाने के लिए हमें बताएंगे? माननीय, मैं अनुरोध ये भी करना चाहता हूं कि आज लाखों महिलाएं हैं हिंदुओं की जो बिना डिवोर्स के, बिना किसी कानून के अबंडन कर दी गई, छोड़ दी गई हैं। 2 मिलियन 20 लाख, लगभग 20 लाख हिंदू महिलाएं हैं इस देश में, जिनके लिए आप कानून लाएंगे क्या माननीय मंत्री जी? या केवल हिंदू मुसलमानों में झगड़ा खड़ा करने के लिए इस प्रकार के आप कानून लाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कानूनन रूप से मेरे विद्वान लोगों ने काफी बातें कही हैं, जब तलाके इद्दत यदि गैरकानूनी हो चुका है तो फिर इस प्रकार के कानून लाने का क्या औचित्य है, मैं नहीं समझ पाया हूं। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आप आज की भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठतम नेता हैं, कई आपसे कनिष्ठ लोग आपसे ऊपर चले गए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी आप उन लोगों को भी सलाह देंगे जो आपसे कनिष्ठ हैं लेकिन ऊपर चले गए हैं, आपसे औहदे ज्यादा ऊंचे पहुंच गए हैं, प्रथम सेवक से भी आप कहेंगे कि प्रथम सेविका को भी न्याय दिलवाएं? धन्यवाद।